कृष्ण है वो पूछना चाहते हैं कि लीला क्या है। देखिए, पहले तो वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जो हैं वो जगत गुरु हैं, और मैं आपको स्पष्ट रूप में ये बता दूं कि परमात्मा विष्णु यानी कि नारायण के 24 अवतार हुए। उन 24 अवतारों में 8 अवतार हैं कर्मयोगी, 8 अवतार हैं भक्ति योगी और 8 अवतार हैं ज्ञान योगी। और जिनमें कर्म भक्ति और ज्ञान तीनों पाए जाएं एक साथ, उन्हें हम पूर्णावतार कहते हैं। एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। परमात्मा के जितने भी अवतार हैं अंशांश आदि, उनमें भगवान कृष्ण साक्षात परब्रह्म हैं, साक्षात भगवान हैं। तो भगवान समाज को आईना दिखाने के लिए अपने को सहज रूप में प्रस्तुत करके समाज को जहां कर्म का प्रतिपादन करके बताते हैं, कहीं पर वो ज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप को पहचानने का लोगों को उपदेश करते हैं, और कहीं भक्ति के माध्यम से सहज रूप में भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं, उसे हम लीला कहते हैं। उसी को नाम हम लोगों ने लीला दिया है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने। तो उसमें राम का जो चरित्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है। राम के चरित्र में मानवता का दर्शन ज्यादा होता है, और कृष्ण के चरित्र में लीला यानी भगवत्ता का दर्शन ज्यादा होता है। कृष्ण चरित्र में कहीं भी, और विशेषकर कृष्ण ने जो ब्रज में लीला करी, कृष्ण के जन्म से लेकर यानी कि अवतार से लेकर के कंस को मारने तक की जो लीला है, जो 11 वर्ष और 58 दिन तक चली, कृष्ण की उम्र जब 11 वर्ष और 58 दिन की हुई तब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। तो जन्म से लेकर के 11 वर्ष 58 दिन तक की जो कृष्ण की लीला है वो योगेश्वर की लीला है, पूर्ण योगी की लीला है। वो अनुकरणीय नहीं है, वो केवल चिंतनीय है, और चिंतन करके भगवान की परतत्वता का उसमें दर्शन कराया जाता है, वही लीला है।